क्या आप जानते हैं इन्फर फ्रॉम क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए इन्फर फ्रॉम? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इन्फर फ्रॉम का मतलब होता है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। यानी कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो आप वोटिंग फिगर से क्या अनुमान लगाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द वोटिंग फिगर, यानी वोटिंग आंकड़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं या क्या अनुमान लगाते हैं। अगर आपको कहना हो इस सबूत से कुछ अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है या इस सबूत से कुछ अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फर एनीथिंग फ्रॉम दिस एविडेंस। यानी इस सबूत से कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन्फर फ्रॉम का इस्तेमाल अंदाजा लगाना या अनुमान लगाने के लिए किया। मैं उन लोगों के मुलाकात से अंदाजा लगाया, उन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई इन्फर्ड फ्रॉम देयर मीटिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। यानी मैंने उन लोगों के मुलाकात से अंदाजा लगाया या अनुमान लगाया कि उन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि इन्फर्ड फ्रॉम का मतलब होता है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्ड इन्फर का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आपका सेंटेंस जिस टेंस में रहे आप अपने सेंटेंस को उस टेंस में लिखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस आता है, क्योंकि पार्ट 6 से लेकर 10 तक मैंने आपको सभी टेंसेस सिखा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।